ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी। तो आपको करना ये है 95 मल्टीप्लाइड बाय 96 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आइडेंटिटी का यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से अपन करेंगे। 95 को मैं 100 माइनस 5 लिख सकता हूँ, ऐसे ही 96 को मैं 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ। अब ये लिखने का रीजन ये है क्योंकि इसको मैं एक आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दैट इज मैं जानता हूँ दोनों स्टार्टिंग वाले जो नंबर्स हैं वो दोनों 100 सेम है, बस बैक साइड वाले जो नंबर्स हैं दोनों अलग अलग है। तो ऐसी एक ही आइडेंटिटी हमें पता है, वो है x प्लस ए एंड x प्लस बी। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो मैं इसको लिखूंगा 100 प्लस ब्रैकेट में माइनस 5 एंड 100 प्लस ब्रैकेट में माइनस 4। सो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, प्लस माइनस विल बिकम माइनस। सो देर इज नो चेंज हियर, कुछ गलत नहीं किया अपन ने, बस इसका फॉर्म चेंज कर दिया है। तो इसी आइडेंटिटी को अगर मैं ओपन करता हूं तो मेरा आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो यही आइडेंटिटी अपन यहां पे लगाएंगे। तो अपने पास यहां पे एक एक्स की जगह पे है 100, ए की जगह पे है माइनस 5 एंड बी की जगह पे है माइनस का 4। तो एक्स स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए की जगह पे अपने पास था माइनस 5 प्लस बी की जगह पे था माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स दैट इज 100 प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी दैट इज ए की जगह पे है माइनस 5 और बी की जगह पे है माइनस 4। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वापस 100 का स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो माइनस 5 प्लस माइनस विल बिकम माइनस, माइनस 5 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 5 4 इज 20 माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो यहां पे ये दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस स्टेप के बाद जो अगला स्टेप है वो है अपन इसको ओपन करेंगे। 100 का स्क्वायर विल बी 10,000 एंड प्लस माइनस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 9, माइनस का 9 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट बिकम्स माइनस 900 प्लस 20। सो सॉल्विंग दिस वी विल गेट 9120 विच इज योर फाइनल आंसर, जो कि आपका है 95 मल्टीप्लाइड बाय 96 का आंसर आना चाहिए 9120। अब हमने डायरेक्ट सॉल्व क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई करके, इसका रीजन ये है कि ये तो बहुत सिंपल सा छोटा सा नंबर था। जब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं जिसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में टाइम कंज्यूम होता है, वहां पे हम ऐसी आइडेंटिटीज को यूज करके इसको सिंपली कर सकते हैं और बहुत इजीली आपका जल्दी आंसर आ सकता है। सो दैट्स इट, दिस इज योर सॉल्यूशन।